एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन को हिंदी में एवेंजर्स कलयुग का महायुद्ध नाम से रिलीज किया गया है और फिल्म की थीम पर यह नाम बिल्कुल सटीक बैठता है। मार्वल कॉमिक्स के सुपर हीरो पर आधारित फिल्म का नाम भी कॉमिक्स जैसा ही होना चाहिए। एवेंजर्स सीरीज की फिल्में मनोरंजन से भरपूर रहती हैं और द एवेंजर्स का यह सीक्वल भी पहले भाग की तरह उम्दा है। सुपर हीरो फिल्मों की कहानी के बारे में सभी को पता रहता है कि ये अच्छाई बनाम बुराई के इर्द गिर्द रहती हैं, लेकिन संघर्ष का रोमांच और नवीनता दर्शकों को खास आकर्षित करता है, साथ ही तकनीक का साथ फिल्म को और ऊंचाइयों पर ले जाता है। अल्ट्रॉन का एक ही मकसद है, विश्व की तबाही, लेकिन उसके रास्ते में एवेंजर्स टीम है। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, ब्लैक विडो, हल्क, हॉकआई अपनी खूबियों के साथ विश्व को बचाने के लिए अपनी जान और परिवार की परवाह किए बिना अल्ट्रॉन से भिड़ जाते हैं। राह इतनी आसान नहीं है। इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए उनको जमकर मशक्कत करना होती है और उनका संघर्ष फिल्म को देखने लायक बनाता है। एवेंजर्स में आयरन मैन सहित सारे सुपर हीरो के कारनामे रोमांचित करते हैं और आपके अंदर मौजूद बचपन को गुदगुदाते हैं। सभी सुपर हीरो को महत्व दिया गया है, लेकिन आयरन मैन पर निर्देशक की कृपा दृष्टि ज्यादा रही है। वहीं बलशाली हल्क को कम फुटेज मिले हैं। अपनी फड़कती भुजाओं से दुश्मनों को मसल देने वाले हल्क को ज्यादा समय तक देखने की हसरत दर्शकों में रहती है। जॉस वेडान ने फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है। एवेंजर्स और अल्ट्रॉन के महायुद्ध के बीच कुछ पारिवारिक दृश्य भी उन्होंने डाले हैं जो इमोशन से भरपूर हैं। आखिरकार सुपर हीरो को भी परिवार की जरूरत महसूस होती है और उनके दिल में भी भावनाओं के ज्वार उमड़ते हैं। हल्क और ब्लैक विडो के एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने को भी बखूबी दिखाया गया है। फिल्म का एक और महत्वपूर्ण ट्विस्ट यह है कि अल्ट्रॉन एवेंजर्स टीम के सदस्यों को आपस में भी लड़ाने की कोशिश करता है। हल्क और आयरन मैन के बीच एक बेहतरीन फाइटिंग सीक्वेंस है जो तालियां बजाने पर मजबूर कर देता है। क्लाइमेक्स की फाइट भी जबरदस्त है। जॉस वेडान ने फिल्म को उन दर्शकों के अनुरूप बनाने की कोशिश की है जो सुपर हीरोज को पसंद करते हैं। हालांकि फिल्म में बीच में ऐसा वक्त भी आता है जब फिल्म ठहरी हुई लगती है। इस तेज गति से भागती फिल्म में कुछ दृश्य स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। फिल्म के अंत में कुछ नए सुपर हीरो की झलक भी दिखाई गई है जो शायद अगले भाग में अपने कारनामे दिखाएंगे। डबिंग आर्टिस्टों ने भी कुछ नया करने की कोशिश की है और फिल्म में दो अंग्रेज किरदारों को हरियाणवी स्टाइल में हिंदी बोलते देखना बड़ा ही मजेदार है। आयरन मैन के रूप में रॉबर्ट डाउनी जूनियर सभी पर भारी पड़े हैं और उन्हें जोरदार संवाद भी मिले हैं। गुस्से से हरा होने वाला हल्क का डॉक्टर बेनर के रूप में दूसरा रूप भी देखने को मिलता है और इसे मार्क रफेलो ने बेहतरीन तरीके से अदा किया है। कैप्टन अमेरिका के रूप में क्रिस इवांस बेहद फिट नजर आए। स्कारलेट जोहानसन ने ब्लैक विडो का किरदार निभाया है। बाइक वाला स्टंट उन्होंने बखूबी किया है। क्रिस हेम्सवर्थ, जेरेमी रेनर भी अपनी चमक बिखरते हैं। तकनीकी रूप से फिल्म शानदार है। स्पेशल इफेक्ट्स इतनी सफाई से पेश किए गए हैं कि बिल्कुल वास्तविक लगते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग सहित फिल्म के सारे डिपार्टमेंट्स मजबूत हैं। 3D इफेक्ट्स फिल्म को प्रभावी बनाता है। पॉपकॉर्न और कोला के साथ फिल्म का मजा लीजिए। मैं इस फिल्म को 5 में से 3.5 नंबर देता हूँ।